क्या आपको हमेशा सर दर्द रहता है या सर दर्द कुछ दिनों के अंतराल पे हमेशा आता जाता रहता है? तो हो सकता है आपको माइग्रेन की समस्या है। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सोमराज, स्वागत करता हूँ आप सबका अपने नए वीडियो में। आज मैं बात करूँगा माइग्रेन क्या है, इसके कारण क्या है, ये क्यों होता है, इसके लक्षण क्या हैं, इसके घरेलू उपचार और इसके होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। दोस्तों, ये वीडियो है खास क्योंकि इस वीडियो में मैं माइग्रेन के ठीक करने के लिए कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन का कम्बिनेशन बताऊंगा जो इस वीडियो के में आपको माइग्रेन की समस्या ठीक करने के लिए आपके लिए बहुत इफेक्टिव साबित होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि माइग्रेन आखिर क्या होता है। माइग्रेन एक प्रकार का सरदर्द होता है जो कि हमारे ब्रेन के नर्व में विकार होने के कारण होता है, यानी कि हमारे जो ब्रेन होता है उसके नर्व में जो डिस्टर्बेंस होता है उसके कारण होता है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो माइग्रेन होता है एक हमारा नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर होता है। माइग्रेन में जो सिरदर्द होता है वो बार बार होता है और इसमें खास करके आपको जो सरदर्द होगा वो किसी एक हिस्से में होगा। माइग्रेन का दर्द कुछ घंटों से लेकर कई दिनों तक रह सकता है। माइग्रेन होने पर आपको वोमिटिंग हो सकता है, नौजिया हो सकता है और उल्टी की समस्या भी आपको देखने को मिल सकती है। इसमें आपको साउंड और लाइट में जाने पर आपका जो प्रॉब्लम होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि जो माइग्रेन होता है उसका कारण क्या है। तो सबसे पहले इसमें माइग्रेन का सबसे पहला कारण होता है वो है तनाव। इसके अलावा हार्मोनल डिसबैलेंस, इसके अलावा ब्रेन के नर्व में कंजेशन होना भी किसका कारण है। इसके अलावा असंतुलित खान पान खाने से, सोने और उठने के समय में गड़बड़ी होने से, अत्यधिक काम करने के कारण भी होता है और इन्वायरमेंटल की प्राकृतिक वातावरण के कारण, मौसम में होने वाले बदलाव के कारण भी आपको माइग्रेन का समस्या होता है वो देखा जाता है। तो दोस्तों, अब आते हैं हम इसके लक्षण के बारे में कि आखिर इसके लक्षण क्या होते हैं। तो इसमें सबसे पहले लक्षण होता है कि सिर दर्द से पहले आपको धुंधला धुंधला दिखाई देगा। इसके अलावा आपको जो सिर दर्द होगा वो कुछ दिनों के अंतराल पे आता जाता रहेगा, आपको ऐसा महसूस होगा। इसमें सिर दर्द किसी एक साइड में होगा। दोस्तों याद रखिएगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो सर दर्द हो किसी एक साइड में हो, पूरे सर में भी सर दर्द हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर केसों में ये देखा गया है कि जो सर दर्द होता है माइग्रेन का किसी एक हिस्से में होता है। इसके अलावा आँखों के सामने काले काले धब्बे दिखाई देंगे, आपको स्किन पर चुभने जैसा आपको महसूस होगा कि कुछ चुभ रहा है। इसके अलावा कमजोरी होगा, उल्टी वोमिटिंग हो सकता है, इसमें नौजिया हो सकता है आपको। इसके अलावा दर्द वाले हिस्से में आपको ऐसा महसूस होगा कि वहाँ पर सूजन आ गया है। तेज़ आवाज़ से आपको परेशानी होगा, लाइट में जाने से परेशानी होगा और इसमें जो सर दर्द है आपको वो आपका कुछ घंटों से लेकर कई दिनों तक रह सकता है। अब हम जानेंगे कि माइग्रेन से बचाव के क्या क्या उपाय हैं। तो सबसे पहला कि माइग्रेन बार बार होने से बचने के लिए आपको अपने जीवन शैली और आहार में आपको बदलाव करना होगा, तभी इस समस्या से आप बच सकते हैं। इसमें आपको क्या होना चाहिए कि सबसे पहले आपको टेम्परेचर में जो बदलाव आता है, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी आता है, ठीक है, या बहुत ज़्यादा ठंड आता है, तो उसमें आपको ज़्यादा गर्मी में या ज़्यादा ठंड में आपको नहीं जाना है। गर्मी के मौसम में अधिक ट्रेवल नहीं करना है। इसके अलावा अगर गर्मी में निकलें या तेज़ धूप में निकले बाहर, घर के बाहर निकले, तो छाते का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। इसके अलावा डेली कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पिए, ज़्यादा मिर्च नहीं खाइए, ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखिए, डेली टहलने का आदत डालें, योग करें और व्यायाम करें। तरल पदार्थ जैसे कि सूप, नींबू पानी और नारियल पानी का सेवन आप करते रहें। अच्छी नींद लें दोस्तों, अच्छी नींद बहुत ज़रूरी है हमारे सेहत के लिए, तो अच्छी नींद ज़रूर लें। इसके अलावा नमक, चाय, कॉफ़ी का सेवन कम करें और ग्रीन फूड्स, यानी कि ग्रीन जो वेजिटेबल्स होता है उसका सेवन करें और फ्रूट्स का सेवन करें। अब हम बात करेंगे इसके कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। दोस्तों याद रखिएगा कि होम्योपैथिक मेडिसिन सिम्टम्स के हिसाब से लिया जाता है और अलग अलग लोगों में सिम्टम्स अलग अलग होता है, इसका पोटेंसी भी अलग होता है।
तो होम्योपैथिक मेडिसिन लेने से पहले याद रखें दोस्तों, किसी रजिस्टर्ड अच्छे डॉक्टर से आप संपर्क कर लें, उसके बाद ही होम्योपैथिक मेडिसिन लें। तो इसमें मैं यहाँ पे कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताने वाला हूँ। तो हमारी जो सबसे पहली मेडिसिन है वो है बेलाडोना। यदि सर दर्द हथौड़े मारने जैसा आपको सर दर्द हो रहा है, लाइट और साउंड से आपका सर दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है, आपको लाइट और साउंड बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसके अलावा तो आप इस मेडिसिन का सेवन कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। हमारी जो अगली मेडिसिन है वो है हमारा इपीफेगस। अगर शारीरिक थकान या मानसिक थकान के कारण आपको सिर दर्द हो रहा है, सिर दर्द किसी भी साइड में हो रहा है, तो आप इस मेडिसिन का सेवन कर सकते हैं, आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। हमारी जो अगली मेडिसिन है वो है नेट्रम्यूर। अगर फीमेल के मेंसेस के दौरान माइग्रेन का जो समस्या वो बढ़ जाता है, इसमें सनराइज के साथ माइग्रेन बढ़ता है और सनसेट के साथ ही माइग्रेन का जो समस्या होता है यानी कि सर दर्द होता है वो कम जाता है, तो इस मेडिसिन का आप यूज कर सकते हैं। हमारी जो अगली मेडिसिन है वो है आयरिस वर्सिकुलर। ये माइग्रेन के लिए बहुत ही उपयोगी मेडिसिन है। यदि माइग्रेन में उल्टी हो रहा हो, एसिडिटी हो, सर दर्द के समय धुंधला धुंधला आपको दिखाई दे रहा हो, तो आप इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं और इसका सेवन कर सकते हैं, आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। हमारी जो अगली मेडिसिन है वो है कालीफॉस। अगर मानसिक तनाव के कारण, आपका मेंटल स्ट्रेस के कारण अगर आपको माइग्रेन की समस्या हो, तो आप इस मेडिसिन का सेवन कर सकते हैं। हमारी जो अगली मेडिसिन वो है एस्पैजिला। माइग्रेन का अगर दर्द लेफ्ट साइड में हो रहा हो और बहुत ज़्यादा सर दर्द कर रहा हो, सर के चारों तरफ कुछ टाइट महसूस हो रहा है, जैसा लग रहा है कुछ बांधा हुआ है, और इसमें दर्द जो हो रहा है वो कुछ आपका पल्सेटिंग टाइप का आपका दर्द हो रहा हो, तो आप इसमें इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं, आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। हमारी जो अगली मेडिसिन है वो सेंगनुरिया। माइग्रेन का दर्द अगर राइट साइड में हो रहा हो और ये दर्द आपका पीछे से स्टार्ट हो रहा है और ये पूरा राइट साइड में आपका ऐसे पूरा दर्द आ जाता हो राइट साइड में, और आपको हमेशा जब भूखे पेट रहते हैं तो दर्द का समस्या आपका बढ़ जाता हो, तो आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। दोस्तों अब मैं बात कर रहा हूँ एक होम्योपैथिक कम्बिनेशन के बारे में। आप उस मेडिसिन का यूज करें, आपको माइग्रेन के दर्द में बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। मैंने अपने प्रैक्टिस के दौरान बहुत सारे लोगों को ये मेडिसिन दी है, अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इसमें आप सेंगोनेरिया 30, एस्पैजिला 30 और आयरिस वर्सिकुलर 30, इस तीनों मेडिसिन का 30 पोटेंसी में आप दो दो ड्रॉप सुबह शाम सेवन करें, आपको निश्चित रूप से आपको फ़ायदा मिलेगा, आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, जिससे जो भी इस प्रॉब्लम से आप सफ़र जो लोग कर रहे हैं उनको लाभ मिले। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।